अपने लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन दूसरों के भविष्य को संवारने की दिशा में कदम उठाने वाले बिरले ही लोग होते हैं। यही मिसाल पेश कर रहा है ऊना जिला के हरोली उपमंडल का खड यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। क्लब के खिलाड़ियों ने फुटबॉल की नई पौध तैयार करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 2.5 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक की आयु के बच्चों को क्लब के पदाधिकारी सुमित दत्ता और अनिल दत्ता विशेष रूप से फुटबॉल से जोड़ रहे हैं। इन फुटबॉल खिलाड़ियों का कहना है कि विद्यार्थी जीवन में खेल का विशेष महत्व है और इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन आजकल बच्चे खेल के मैदान में आने की बजाय मोबाइल और टीवी पर ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। हमारा सर मेन मोटिव है कि जैसे आजकल युवा नशे की ओर जा रहे हैं और मोबाइल ये चीज़ों में फंसते जा रहे हैं, तो मेन मोटिव है कि खड़ गाँव हमेशा पहले से जाना गया है फुटबॉल के लिए। फुटबॉल छोटा सा गांव है हमारा, पर फुटबॉल के लिए इसका बहुत बड़ा नाम है। कहीं भी चले जाओ खड़ गांव को, खड़ के बच्चों को हर कोई फुटबॉल के नाम से जानता है। और हमारे गांव में हमारा काफ़ी कुछ समय से ना फुटबॉल ख़त्म होता जा रहा है, तो बच्चे फुटबॉल ग्राउंड में नहीं आते हैं। ग्राउंड में मतलब इतना बुरा हाल हो गया था हमारे जो हमारा क्लब है उसके लिए 11 मतलब 11 बंदों की टीम नहीं हो रही थी, तो हम 4-5 जो युवा खिलाड़ी हैं अपने टाइम के हमने मिलके दोबारा टीम का और बच्चों को खिलाना और एकेडमी स्टार्ट की है खड यूनाइटेड एफसी के नाम से। गांव के सारे बच्चे हैं, बच्चियां भी आ रही हैं इसमें, 35-40 बच्चियां भी हैं, तो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं कि बच्चों को फुटबॉल सिखाना है और इन चीज़ों से दूर लेके जाना नशे से। खड यूनाइटेड फुटबॉल क्लब फुटबॉल से जोड़े जा रहे इन बच्चों की शारीरिक क्षमता जांचने के लिए इनकी शारीरिक क्षमता की भी जांच करवा रहा है, ताकि उन पर इस क्षमता के अनुसार खेल का भार डाला जा सके। हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को ग्राउंड में लेकर आया जाए। जैसे बच्चे ग्राउंड में आते हैं तो वो खेल के इतना मतलब थक भी जाते हैं या उनका दिमाग किसी और तरफ जाएगा ही नहीं, ये हमने अपने मन में सोचा। सो उससे हमें देखिए जी 15-20 दिन के अंदर ही हमें जो रिस्पॉन्स मिला वो हमने भी नहीं सोचा था। बच्चे और बच्चियाँ इनको अब हमने 4 ग्रुपों में बांट रखा है, सीनियर बॉयज़ हैं और जूनियर बॉयज़, जूनियर गर्ल्स, एक हमने एलीट, एक सब जूनियर बच्चों का एक ग्रुप बना रखा है। और सब बच्चे, और हैरानी की बात तो ये है कि बच्चों ने अपने माता पिता को मैदान में लाना शुरू कर दिया। जैसे शहरों में हम देखते हैं कि बच्चे पार्क में घूमने जाते हैं मम्मी पापा के साथ, हमारे गांव में ऐसा रूटीन नहीं था। कोई दिहाड़ी दप्पे वाला बंदा जी जितना कितने घूमन चल गया जी, वो और बच्चों ने अपने माता पिता को भी जागरूक किया यहाँ लाने के लिए, तो हम बहुत खुश हैं कि हमारा जो प्रयास है वो सही दिशा में जा रहा है। खड यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के इन प्रयासों से ऊना जिला फुटबॉल संघ काफी प्रभावित है और खिलाड़ियों की इस नई पौध को तैयार करने के अभियान को सकारात्मक मानता है। एक बहुत सराहनीय काम किया इन मुंडिया ने, जिस चीज़ की बहुत पहला तो लोड़ सी, असी भी आज तो 10-15 साल पहला तो कह रहे थे, पर कहते होंगे ना कोई स्टैप चकना कि हर किसी की बस की गल नहीं होंगी। इन मुंडिया ने इदा का प्रयास किया कि जेडे साडे एरिए लोड़ सी इस स्टैप की, ये स्टैप चक्या। ये नाल क्या आया, छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के 2.5-2.5 साल के बच्चे, ये बच्चे इत से पहला भी कोई ग्राउंड च नहीं दिखता सगा, पर अज कोई इतने 100 बच्चा आया आ जिन्हों देख के सानू ही इन्नी खुशी हुई कि साढ़े एरिए बच्चे अज भी है, क्योंकि साडा एरिया खास करके खड पंडोगा पंजौर ये एरिए फुटबॉल की एक हब मनिया जाता, और इतने बच्चे की इन्नी कमी आ गई भी सी कि सानू लगता नहीं साढ़े एरिए कोई मुंडा इस वेले हैगा आ खेलन, जबकि असी हुण उन्ने तो उन्ने फिर भी गेम लगती है। पर असी इन्हां बच्चों नूं कहिंदे सी कि यार कुछ इदां दा करो कि तुसीं अपने बच्चों नूं दुबार तो एक फुटबॉल की मुहिम च या एक स्ट्रीम च लाइव स्ट्रीम च लैके आओ और बच्चों नूं इत्थे कढ़न की कोशिश करो। जब अपना बच्चा कोई अपने बिच दा बच्चा कोई खेलदा है तां उहनूं देख के इन्नी क खुशी हुंदी कि सानूं इह खुशी हुंदी कि उस बच्चे नूं देख के होर 10 बच्चे बाहर जाऊंगे। क्लब के इन प्रयासों से अभी तक 100 से अधिक बच्चे फुटबॉल से जुड़ चुके हैं। इस छोटी सी उम्र में यदि इन बच्चों को फुटबॉल का सही प्रशिक्षण मिलता है तो ये आगे चलकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। ऊना से DD News के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।